हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री राम साइंस। आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग गुड, थिंग्स आर फाइन एट योर प्लेस। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन। ये आर्टिकल्स हैं जो हमें आज डिस्कस करने हैं। जल्दी से आपको एक आइडिया दे देती हूँ, बट वी विल बी कवरिंग टुडे। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड के बारे में बात करेंगे। ये आपके प्रिलिम्स के लिए भी है, मेंस के लिए भी है। बेसिकली विल टॉक अबाउट यूनिसेफ, ठीक है। फिर हम बात करेंगे वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 2024 के बारे में। बहुत से आर्टिकल्स मेंटल हेल्थ से जुड़े हुए आते हैं, तो क्यों इस पे एड्रेस नहीं किया जाता है, क्या अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है लोगों में, वो सारी डिस्कशन होगी। कब होता है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, वो डिस्कस करेंगे। इस पे जब भी एडिटोरियल आएगा विल डेफिनेटली टेक इट अप। और हमने लिया भी है कि हर कोई फिजिकल हेल्थ की बात करता है, मेंटल हेल्थ की बात आजकल होती ही नहीं है, ठीक है। और अगर आप साइकाइट्रिस्ट के पास अगर कोई विजिट करने जा रहा है तो सामने वाला समझ लेता है कि वो पागल ही है। तो ये सारी डिस्कशन जो है, वन और दी अदर पॉइंट, जब एडिटोरियल आएगा सो विल डेफिनेटली टेक इट अप। आज के इस सेशन में मैं जो ये आर्टिकल है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा हम डिस्कस करेंगे कि क्या कौन सा दिन रहता है, क्या थीम है, स्टैट्स क्या बोलते हैं, और सरकार के क्या इनिशिएटिव्स हैं मेंटल हेल्थ को लेकर, ये सारी चर्चा का आज विषय रहेगा, ठीक है। बाय द एंड ऑफ दिस सेशन विल टेक दिस आर्टिकल। फिर हम बात करेंगे नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के बारे में, एंड दिस ऑल्सो प्रिलिम्स एंड जीएस पेपर 2 से कनेक्ट कर सकते हो। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, अगेन जीएस पेपर 2 एंड प्रिलिम्स, एंड एक्स बैंड रेडार। ये बेसिकली जो कुछ टाइम पहले वायानाड में लैंडस्लाइड हुई उसके चलते ये कॉन्टेक्स्ट में आया है। ये आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा। आपको एक थम्स अप साइन दिख रहा होगा, है ना, ऐसे एक ऐसे बटन सा दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर देना है। उससे क्या होगा, आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। सो हेयर यू कैन मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दिस लेक्चर। कमेंट सेक्शन आपके पास है, यू कैन शेयर योर फीडबैक्स, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। द कम्युनिटी ने, एज इन लाइक द वन हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, एसएससी, बी स्टेट, पीसीएस, आप सबके साथ ये सेशन शेयर कर सकते हो, क्योंकि डेली न्यूज़ एनालिसिस का सेशन ऐसा है जो हर एक एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, ठीक है। यू कैन ट्रस्ट द प्लेटफॉर्म। सी, वी आर सर्विंग द नेशन सिंस 1985। श्री राम आईएएस इज सर्विंग द नेशन सिंस 1985 ऑफलाइन। अब ऑनलाइन भी है तो we should have an extended family so that everybody can take the best use of these sessions, so do let others know also, right? You can trust the quality that is being delivered by me, by other mentors, because everybody is teaching in the best possible way with the best of content, that too free of cost. UNICEF ke bare mein padhte hain, zyada hi इधर उधर की बात नहीं करते हैं, मुद्दे पे आते हैं। रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड हैज सेड दैट इंडियन सप्लायर्स आर द थर्ड लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सपोर्ट टू चिल्ड्रन ग्लोबली। ये लाइन तो आप बोलते कि मैं खुद भी पढ़ लेता या पढ़ लेती। सिंपल सी बात यह है कि वो यही बोल रहे हैं कि यूनिसेफ ने कहा है कि द मैन्युफैक्चरर्स, द कंपनीज फ्रॉम इंडिया, दे सप्लाई अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ मेडिकल सप्लाईज, न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स, अदर एसेंशियल आइटम्स जो यूनिसेफ यूज करता है बच्चों की हेल्थ और न्यूट्रिशन को सपोर्ट करने के लिए। तो इसी के चलते इंडियन सप्लायर्स जो हैं वो थर्ड लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर हैं टू द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्रोग्राम फॉर द चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड। इंडिया एक इंपॉर्टेंट रोल, अ की रोल प्ले कर रहा है इन हेल्पिंग यूनिसेफ provide food, provide basic amenities, vaccines, medicines, जो भी necessities होती हैं to improve the well-being of the children globally. Now, as far as UNICEF is concerned, let's talk about it. UNICEF established हुई 1946 में, World War II के बाद it was created, जो बच्चे World War II से affect हुए थे उनके लिए, right? No matter what side their country was on, उससे फर्क नहीं पड़ता, मिशन यही था, टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रेन, टू प्रोटेक्ट यंग पीपल जिनकी जिंदगी खतरे में थी। आज के टाइम पे यूनिसेफ इज ऑपरेटिंग इन ओवर 190 कंट्रीज, ठीक है, मैंडेट आई हैव टोल्ड यू। फोकस बार बार ये बता रही हूँ, यही है ऑन इंश्योरिंग दैट एवरी चाइल्ड राइट आर प्रोटेक्टेड, देयर राइट टू हेल्थ, एडुकेशन, सेफ्टी, right? So they work to improve children's lives, especially in the poor or crisis affected areas. UNICEF ka jo kaam hai,
वो एंटायरली फंडेड है थ्रू वॉलेंट्री सपोर्ट, थ्रू डोनेशंस. मिलियंस ऑफ पीपल, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेसेस अराउंड द वर्ल्ड, दे कॉन्ट्रीब्यूट वॉलेंट्रीली टू फंड देयर प्रोग्राम्स. बिना डोनेशन के यूनिसेफ वोंट बी एबल टू हेल्प चिल्ड्रन ग्लोबली, राइट? सो एंटायरली, अगर वो ऐसा टर्म यूज कर दे स्टेटमेंट में, क्या एंटायरली यूनिसेफ इज फंडेड थ्रू द वॉलेंट्री सपोर्ट? यस, एंटायरली. नोबल पीस प्राइज मिला 1967 में, यूनिसेफ रिसीव दीज इंपॉर्टेंट अवार्ड्स, जिसमें एक नोबल पीस प्राइज है. इंदिरा गांधी प्राइज 1989 के अंदर मिला फॉर प्रोमोटिंग पीस एंड डेवलपमेंट, राइट? एंड देर आर वेरियस अदर अवार्ड जो इनको मिले फॉर देयर ह्यूमैनिटेरियन वर्क. 2012 में यूनिसेफ पार्टनर्ड विद द सेव द चिल्ड्रन एंड द यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट. किस लिए? टू क्रिएट चिल्ड्रंस राइट्स एंड बिजनेस प्रिंसिपल्स. ये वो गाइडलाइंस हैं दैट हेल्प द कंपनीज अंडरस्टैंड हाउ टू सपोर्ट चिल्ड्रंस राइट, हाउ टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रंस राइट इन देयर बिजनेस प्रैक्टिसेस ऑल्सो. अच्छा, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क सिटी के अंदर है. यूनिसेफ का बेसिकली एक और उन्होंने इनिशिएटिव बता रखा है, डेटा मस्ट स्पीक इनिशिएटिव, वेयर इट हेल्प्स कंट्रीज टू मेक बेटर यूज ऑफ द एग्जिस्टिंग डेटा, टू इम्प्रूव द एक्सेस टू एजुकेशन, टू इंश्योर कि बच्चों को क्वालिटी लर्निंग भी मिले. तो ये सारा काम है. पॉलिटी के सेशंस चल रहे हैं प्लेटफॉर्म पे, प्रज्ञा मैम इज टेकिंग, यू कैन रेफर दीज सेशंस. स्पून फीड सेशंस आर देयर ऑन द प्लेटफॉर्म, जहां पर अगर किसी सिंगल करंट अफेयर के टॉपिक पे जानकारी लेनी है तो आपके पास सेशन है. नंबर ऑफ सेशंस आर रनिंग, प्लीज डू सी, एक बार देख लो कैसा लगता है, आपकी मर्जी है, बट येस दिस आई कैन इंश्योर कि बेस्ट तरीके से दे आर डिलीवरिंग द कॉन्टेंट, दे आर प्रोवाइडिंग द कॉन्टेंट. तो इधर उधर नहीं जाने की ज़रूरत, सब कुछ आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा, मिल रहा है. सो टेक द बेस्ट यूज ऑफ इट. ठीक है, चलिए आगे बढ़े. अगला आर्टिकल किसके बारे में बात कर रहा है? एक्स बैंड रेडार. टॉपिक पूरा बस इसी पे है. कॉन्टेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ, लाइन नहीं पड़ती, सिंपल सा कॉन्टेक्स्ट है. 2024 में जुलाई में वायानाड के अंदर बाढ़ आई, लैंडस्लाइड्स आए हैवी रेन्स के चलते. 200 जिंदगी, 200 लाइव्स आप बोल सकते हो, इस नियर अबाउट 200, 200 से ज़्यादा ट्रैजिक लॉस हुआ. ऐसे डिजास्टर्स को अगर आप फ्यूचर में प्रिवेंट करना चाहते हो तो यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने इम्प्रूव किया है इंस्टॉलेशन ऑफ दिस एक्स बैंड रेडार इन द एरिया. क्या है, कैसे काम करेगी एक्स बैंड रेडार, क्या है, ये सारी बातें करते हैं. देखो, रेडार स्टैंड्स फॉर रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग. मैं ना पहले एक्स बैंड रेडार के बारे में नहीं बताऊंगी, ये सारे पॉइंट्स आपके पास है, समझ आ जाएंगे. पहले आप रेडार समझ लो. यू सेंड आउट रेडियो वेव्स, बाउंस बैक करेंगी फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट, वापिस आएंगी. जब सिग्नल रिटर्न करेगा यू विल एनालाइज, राइट? उससे आप इंफॉर्मेशन लोगे. फॉर एग्जाम्पल इन वेदर फॉरकास्टिंग, रेडार इज यूज टू ट्रैक स्टॉर्म्स, रेन्स, क्लाउड. क्या करेगा रेडार? रेडार सेंड्स आउट अ सिग्नल. वो सिग्नल व्हेन इट हिट्स द क्लाउड, द इको दैट कम्स बैक, मैं सिंपल टर्म्स में बता रही हूँ, वो हेल्प करेगी मेट्रोलॉजिस्ट को टू अंडरस्टैंड द वेदर. अच्छा, कितनी तेजी से क्लाउड्स आर मूविंग, हाउ हैवी द रेन इज, हाउ स्ट्रॉन्ग द विंड आर, ये सारी चीजें यहाँ से पता चलती हैं. रेडार स्टैंड्स फॉर, ये रह गया, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग. रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है? अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी हो तो डॉपलर इफेक्ट के बारे में पढ़ा होगा. अब जिसने नहीं पढ़ी है तो एक बार ज्योग्राफी पढ़ो, स्टैटिक में जाना है. मैं अगर पूरे डॉपलर इफेक्ट समझाने बैठी तो फिर ये सेशन नहीं ले पाऊंगी, हम ज्योग्राफी आज नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पर. लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आया हुआ है इससे जुड़ा हुआ, डॉपलर इफेक्ट, राइट? सो द कॉमन रेडार यूज इन द वेदर इज डॉपलर रेडार. इट यूजेस दिस डॉपलर इफेक्ट. ये क्या है? एक चेंज आता है इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स ऑन द मूवमेंट. इट इज बेसिकली डिपेंडिंग ऑन द मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड. तो यहां पर सिंपल सी बात यह है कि करंटली जो ये एक्स बैंड रेडार की बात कर रहे हैं, ये लगा लीजिए एक
8 से 12 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेंज में ये जो रडार है ये इट वर्क्स इन, एंड इट यूजेस वेरी शॉर्ट रेडियो वेव्स, अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ वेवलेंथ. अब क्योंकि शॉर्टर वेव्स है एक्स बैंड, इसीलिए एक्स बैंड रडार कैन कैप्चर वेरी डिटेल्ड एंड क्लियर इमेजेस, राइट. इट इज ग्रेट फॉर डिटेक्टिंग थिंग्स लाइक रेन ड्रॉप्स और सॉयल मूवमेंट. वायनाड जैसी जगह पर जहां पर बहुत लैंडस्लाइड्स आई, हैवी रेन्स हुए, ये रडार बहुत हेल्पफुल हो सकती है. इट कैन ट्रैक द चेंजेस इन द वेदर एंड इन द चेंजेस इन द वेदर इन द ग्राउंड. यू कैन इट कैन प्रोवाइड यू विद दैट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू प्रिडिक्ट द लैंडस्लाइड्स पहले ही, अर्ली वार्निंग मिल जाएगी तो यू कैन सेव द लाइव्स. सो एक्स बैंड रडार कैन प्रोवाइड डिटेल्ड इमेजेस, ठीक है, हाई रेजोल्यूशन इमेजेस. ये लार्ज एरिया को नहीं कवर कर रही है जैसे बाकी रडार करती हैं, राइट. सो बिकॉज इट्स एबिलिटी इज टू पिक अप स्मॉल डिटेल्स एंड गिव द रियल टाइम अपडेट्स, इट इज परफेक्ट फॉर एरियाज दैट आर प्रोन टू डिजास्टर्स लाइक लैंडस्लाइड्स. सवाल ये उठता है कि व्हाई डज वायनाड नीड्स एन एक्स बैंड रडार. जवाब आपके पास है. इस रीजन में अभी जो नेचुरल डिजास्टर्स देखने को मिले हैं, स्पेशली मानसून सीजन में, ये जो एरिया है इट इज हिली लैंडस्केप, इट लूजेस सॉइल, इट इज मोर वल्नरेबल टू लैंडस्लाइड, और इसकी वजह से एक्स बैंड रडार इज बीइंग इंस्टॉल्ड टू हेल्प मॉनिटर द वेदर एंड ग्राउंड कंडीशंस वेरी इजीली. तो आपकी एबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी टू ट्रैक द रेनफॉल, टू विंड स्पीड, मॉनिटर द सॉइल मूवमेंट, प्रोवाइड अर्ली वार्निंग्स टू द लोकल अथॉरिटीज, एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट कैन डिटेक्ट स्मॉल चेंजेस इन द वेदर एंड द सॉइल मूवमेंट, दैट टू विद द हाई प्रिसीजन. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लियर हो गया. तो ये इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने, यू कैन से एक्स बैंड रडार की जो बात कर रहे हैं वायनाड के अंदर, इट विल बी अ पार्ट ऑफ दिस लार्ज एफर्ट टू इम्प्रूव अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम डिजास्टर्स, ठीक है. चलिए आगे बढ़े. नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के बारे में बात करते हैं. उन्होंने कंसर्न जताए हैं जिस तरीके से मदरसाज चल रहे हैं उसको लेके. ये कहते हैं कि कुछ मदरसाज जो हैं वो प्रॉपर रूल्स और गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रहे हैं, पर्टिकुलरली वो गाइडलाइंस दैट आर रिलेटेड टू चिल्ड्रंस एजुकेशन एंड राइट्स. सो वो कह रहे हैं कि मदरसाज शुड कंप्लाई विद द राइट टू एजुकेशन एक्ट. RTE एक्ट क्या कहता है? फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन मिले हर एक बच्चे को बिटवीन एज 6 to 14. वो कहते हैं कि अगर ये स्कूल्स आर नॉट मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट, NCPCR सजेस्ट दैट द गवर्नमेंट शुड स्टॉप गिविंग देम द फाइनेंशियल सपोर्ट अंटिल दे फॉलो द लॉ प्रॉपरली. सिंपल सी बात यह है, दे वॉन्ट मदरसाज टू इम्प्रूव देयर एजुकेशन सिस्टम, फॉलो द सेम रूल्स एज अदर स्कूल्स. So NCPCR has raised concerns about the state of functioning in the madrasas and called for stopping state funding to them unless they comply with the Right to Education Act. NCPCR एक Indian statutory body है. I'm sorry. हमने इसी के बारे में बात करनी है आज. NCPCR एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, 2007 में एस्टैब्लिश हुई. स्टैट्यूटरी है तो कोई कानून होगा, दैट इज कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005. इट वर्क्स अंडर विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. इसका काम क्या है? टू इंश्योर ऑल द लॉज, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इट कन्फर्म्स टू द विजन ऑफ राइट ऑफ चाइल्ड एज enunciated in the Indian Constitution as well as the UN Convention on the Rights of Child. क्या कह रहे हैं? सिंपल सी बात बताऊं, वो ये कह रहे हैं, ये लाइन क्या कह रही है बेसिकली, द मेन जॉब इज टू मेक श्योर कि जितने भी कानून हैं, पॉलिसीज हैं, प्रोग्राम्स हैं जो कि है टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया फ्रॉम 0 to 18, वो द मेन जॉब इज टू मेक श्योर कि ये सब चीजें, कानून, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, दे कन्फर्म टू द विजन, दे मैच
both the Indian Constitution and the United Nations Convention on the Rights of the Child. तो गोल क्या हुआ? वेलबींग ऑफ द चिल्ड्रन, बिल्ड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रंस राइट, प्रमोट लोकल डिसीजन मेकिंग थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन, एनकरेजिंग कम्युनिटीज टू केयर मोर अबाउट चिल्ड्रंस राइट। तो अगर मैं इसके फंक्शंस की बात करूं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करूं, तो क्या है? ये तो मैंने आपको बता दिया। वट आर द फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ दिस बॉडी? इट लुक्स एट एग्जिस्टिंग लॉज एंड प्रोटेक्शंस फॉर चिल्ड्रन एंड सजेस्ट वेज टू मेक देम वर्क बेटर, रिव्यू चाइल्ड सेफ गार्ड। फिर इट रिपोर्ट्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एनुअली, हर साल, हाउ वेल दीज प्रोटेक्शंस आर वर्किंग। इन्वेस्टिगेट करता है वॉयलेशंस, इफ समवन इज वॉयलेटिंग चिल्ड्रंस राइट, दे मे रिकमेंड लीगल एक्शन, दे प्रमोट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ चाइल्ड राइट्स, अवेयरनेस रेज करना, इंस्पेक्ट करना इंस्टीट्यूशंस को, जैसे कि अभी बात कर रहे हैं, राइट, इंस्पेक्ट चाइल्ड इंस्टीट्यूशंस, एड्रेस द कंप्लेंट्स, इन्वेस्टिगेटिंग द कंप्लेंट्स, ये सब भी इनके अंतर्गत आता है। क्या ये सुओ मोटो एक्शन ले सकते हैं? ले सकते हैं। सुओ मोटो मतलब खुद से, इफ इट फाइंड्स कि चिल्ड्रंस राइट्स आर बीइंग वायलेटेड, यस दे कैन। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। क्यों पढ़ना है? क्योंकि न्यूज में है। न्यूज क्या है? सी एस एफ आई ओ रिकॉर्डेड द स्टेटमेंट ऑफ द डॉटर ऑफ केरला चीफ मिनिस्टर। मैं इसके बारे में स्टोरी जाननी है तो यू कैन सी शॉर्ट्स एंड अदर जो ऐसे जो चर्चा के जो विषय होते हैं उनमें देख सकते हो। कॉन्टेक्स्ट ये है कि ये जो ऑफिस है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टिगेटिंग सीरियस फाइनेंशियल फ्रॉड्स इन इंडिया। And this office has interviewed the daughter of Pinarayi Vijayan, who is the chief minister of Kerala. She is the owner of an IT company that is currently inactive or not operational also. And this investigation has caused a political storm, sparked controversy, debate among the political parties because of corruption, you can say, misuse of power. There can be a number of reasons. तो हमारा जो कॉन्टेक्स्ट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से है उस पे चर्चा करते हैं। एस एफ आई ओ एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंदर आती है, जिसका टास्क है टू इन्वेस्टिगेट सीरियस फाइनेंशियल फ्रॉड्स इन इंडिया, टू लुक इनटू द फाइनेंशियल फ्रॉड्स वेयर पीपल और कंपनीज आर इन्वॉल्व इन डिसऑनेस्ट एक्टिविटीज, इलीगल एक्टिविटीज। तो काम क्या है? मेक श्योर करना कि वो फाइनेंशियल इंटीग्रिटी हो, दे ऑपरेट फेयरली, ऑनेस्टली, मेंटेन ट्रस्ट इन द फाइनेंशियल सिस्टम, इंश्योर कंपनीज फॉलो द रूल्स। 2003 में इट वॉज सेटअप, कौन सी, किसकी रिकमेंडेशन पे? बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नरेश चंद्र कमेटी ऑन कॉरपोरेट गवर्नेंस। स्टैच्यूटरी स्टेटस मिला अंडर कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज मेड अप ऑफ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स फ्रॉम वेरियस फील्ड्स, अकाउंटेंसी, फॉरेंसिक ऑडिटिंग, बैंकिंग, लॉ, आई टी, इन्वेस्टिगेशन, कंपनी लॉ, कैपिटल मार्केट, टैक्सेशन, हर एक चीज पे। इट इज लेड बाय, हेडेड बाय डायरेक्टर एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन द रैंक ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी की रैंक पे होते हैं। कैसे केसेस ले सकते हैं? इट कैन टेक अप फॉर द इन्वेस्टिगेशन जैसे दैट आर कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्सिटी हैविंग इंटर डिपार्टमेंटल एंड मल्टी डिसिप्लिनरी रैमिफिकेशन दैट मे रिक्वायर कॉपरेशन बिटवीन डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। क्या इन्वेस्टिगेट करते हैं? SFIO investigates into the affairs of a company on based on reports. If the registrar or an inspector provides a report indicating that a fraud may have occurred, तो SFIO will look into it. Special resolution. If a company passes a special resolution saying that its affairs need to be investigated, तो SFIO will step in. Public interest में अगर हो, if there are concerns that investigation is necessary for the benefit of public, तो SFIO will take action. अगर central government या state government का कोई भी department कहता है investigation के लिए, तो SFIO आ जाएगा। तो SFIO एक
इंडिपेंडेंट बॉडी है. इट फंक्शंस ऑटोनोमसली. इट ऑपरेट्स विद इन द फ्रेमवर्क प्रोवाइडेड बाय एमसीए. इसके बाकी एजेंसीज के साथ भी इट कोऑर्डिनेट्स, सेबी, सीबीआई, आरबीआई, ईडी इन्वेस्टिगेशन के दौरान. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई केस रेफर किया उनको, दे विल स्टार्ट लुक इनटू इट. ठीक है, हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, दे हैव इन्वेस्टिगेटेड सेवरल वेल नोन फाइनेंशियल फ्रॉड केसेस इन इंडिया. सत्यम स्कैम, किंगफिशर एयरलाइन केस, दे हैव बीन इन्वेस्टिगेटेड बाय एसएफआईओ. लास्ट आर्टिकल, 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे होता है. जो अभी वर्क प्लेस पे सुसाइड्स हो रही हैं, क्या हाईलाइट कर रही हैं इम्पैक्ट ऑफ जॉब रिलेटेड स्ट्रेस ऑन मेंटल हेल्थ. थीम क्या है इस बार की? मेंटल हेल्थ एट वर्क. 1992 में इट वॉज फर्स्ट इनिशिएटेड बाय वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ. इट वॉज ऑर्गेनाइज बाय WHO, ताकि अवेयरनेस हो. यू प्रमोट मेंटल हेल्थ एडुकेशन. यू एम्फसाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ मेंटल वेलबींग फॉर इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज. मेंटल इलनेस क्या है? ईटिंग डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन. देखो, ऐसे ही बोल देना कि डिप्रेशन है, जिनको है उनसे पूछो. तो क्लिनिकली हर चीज होनी चाहिए. डिप्रेशन क्या है? इट इज अ परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस एंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट. वो हर कोई कहेगा हमें भी है. नहीं, हर एक चीज का एक सर्टेन लेवल होता है. राइट, गो टू डॉक्टर, टॉक टू टू द वन कंसर्न, साइकाइट्रिस्ट. क्लिनिकली चीजें होता है ना, प्रूवन. वैसा एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, देर इज ऑल्सो अ मेंटल डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स, मतलब हाउ अ पर्सन थिंक्स, फील्स, बिहेव्स. ईटिंग डिसऑर्डर मतलब यार कंडीशन दैट इन्वॉल्व्स अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स, ये भी है. एडिक्टिव बिहेवियर्स. मेंटल हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो 2023-24 का इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से देयर इज अ नीड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, इंप्रूव मेंटल हेल्थ सर्विसेज इन इंडिया. अभी क्या है? टू इंप्रूव द मेंटल हेल्थ सर्विसेज देयर आर सर्टेन पॉलिसी रिकमेंडेशंस आल्सो. लेट मी शो यू. ये सर्वे बता रहा है, क्या कह रहा है? नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे 2015-14 का, कि अबाउट 10.6% ऑफ इंडियन एडल्ट्स एक्सपीरियंस मेंटल डिसऑर्डर्स, और उसमें से 70-92% ऑफ द इंडिविजुअल्स विद दीज कंडीशन दे डू नॉट रिसीव द हेल्प दे नीड. तो पहले तो यू नीड टू रेज द नंबर ऑफ साइकाइट्रिस्ट. करंट रेट क्या है? 0.75 पर लैक पॉपुलेशन. तो यू नीड टू गो इट फॉर 3 पर लैक पॉपुलेशन according to the WHO standard. More mental health professionals will be available now. Start sensitizing mental health awareness at the preschool levels also, taki early pata chal jaye, and you can go for timely intervention and support then. theek hai ji, this was the whole session. Umeed karti hu clear ho gaya ho. Koi doubt hai you can ask me in the comment section. Otherwise, I'll meet you in the next one with other articles. Till then, take care, good luck, good wishes. This is your mentor, Arzu Kakkar, signing off. Happy learning, everyone. All the best. Thank you.